अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज के ब्लॉग का आगाज हो चुका है। दोपहर का खाना मैं बना रही हूँ। मैं इसमें चीज़ बना रही थी तो उसमें ना फिर मैंने थोड़ी सी ये पालक ले ली थी, तो ये मैंने काट के डाल दी थी। जो आलू है ना वो हमारे आधे कुक हो चुके थे, तो बस इसमें फिर मैंने डाल दी थी ये पालक और उसे मैं बनाऊँगी भुजिया टाइप में बनाऊँगी। बहुत मज़े की बनती है। ऐसे तो मैं चीज़ बना रही थी, बस मेरा मन किया ऐसे बनाने को, तो फिर मैंने ऐसे बना दिए, लेकिन ये बहुत ही मज़े की लग रही थी। तो बस सिंपल तरीके से मैंने इसमें ना पालक का जो साग होता है वो काट के डाल दिया है, और बस इसमें फिर मैंने जो है ना हसबे जायका नमक डाल दिया था, और कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है वो डाल दी थी, उसको मैंने ऊपर से ढक दिया था। तो बस पालक में अपना पानी जो है ना छोड़ दिया था, उसमें आलू पक गए थे, और बस उसमें पालक ही पक गई थी। तो जल्दी जल्दी से ना मैंने इसको पका लिया था, साथ में मैंने रोटी बना दी थी जल्दी जल्दी में, और साथ में सालन भी बनाऊँगी। सालन में बना रही हूँ टिंडे गोश्त, और वो भी सिंपल तरीके से बना रही थी, सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। वो जो है ना मैंने गोश्त रख दिया था गलने के लिए। सबसे पहले मैंने उसमें 2 अदद प्याज डाल दिए, और हरी मिर्ची 2 से 3 अदद डाल दी, 4 से 5 लहसुन के जो जगह होते हैं वो डाल दिए। मेरे पास जो लहसुन के जगह बड़े बड़े थे इसलिए मैंने 5 डाल दिए, और टमाटर डाल दिए मैंने 2 अदद बड़े बड़े, और वैसे इसमें पानी डाल के मैंने इसे ना गोश के में रख दिया था पकने के लिए। बस हल्की आंच पे रख दो ना तो पक जाता है, टाइम मेरे पास बहुत था। मैंने तो आलू और पालक की भुजिया खा ली थी, तो बस ये फिर हस्बैंड के लिए सालन बना रही थी क्योंकि वो नहीं खाते होते, तो मैंने जल्दी जल्दी अपने बेटे के लिए बना दिए थे क्योंकि उससे मदरसे जाना था तो लेट हो रहा था, इसलिए मैंने उसके लिए वो बना दिया था। तो बस फिर जो है ना जब हमारा गोश्त पक गया था उसमें थोड़ा सा पानी बाकी बच गया था, तो इसमें मैंने टंडे भी शामिल कर दिए थे, और फिर इसी ना जब पानी में इसको खाऊँगी इसी पानी में ना ये टंडे भी पक जाएंगे हमारे, और जो है ना गोश्त हमारा पका हो जाइए। तो बस इसे मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। इसमें मसाला का मसाला 1 टेबल स्पून डाल दिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया, और हल्दी जायका नमक। बस इसकी मैं अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। भूनने के टाइम जब पानी सूख जाए ना तो फिर अब मैंने इसमें ना थोड़ा सा तेल भी शामिल कर दिया था, और इसकी अच्छी सी भुनाई कर दी थी, तो मज़ेदार से हमारा सालन भी रेडी हो गया था। इसी के साथ अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो देखिए हमारे मज़ेदार से सालन भी साथ साथ बन गए, तो ऐसे मैं इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करूँगी। आप देख सकते हैं ना कि यह हल्का हल्का मैंने इसमें तेल भी डाल दिया था, तो ये हल्का हल्का जब तेल छोड़ेगा तो बस ये जो है ना हमारा सालन रेडी हो जाएगा। और लास्ट में मैंने इसमें गार्निश के तौर पर धनिया डाल दिया था। ये बिरयानी भी मैंने गर्म की थी, और ये बिरयानी थी और ये चिप्स, ये दोनों हमने खा लिए थे दोपहर में, और दोपहर में ही तकरीबन 2 बजे का टाइम था, मैंने सालन भी रख दिया था पकने के लिए, ताकि वो पक जाए तो कुछ शाम के लिए और रात के लिए हो जाएंगे, और कुछ जो है ना हस्बैंड खा लेंगे जब काम से आएंगे। तो बस ये हमारा जो है ना लंच हो गया था, बस ये जो है ना पानी सूख गया था। तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया, ये मैंने काट के रखा था, मिर्ची मैंने इसमें शुरू में शामिल कर दिए थे, बस हरा धनिया डाल दूँगी, तो ये हमारा सालन एकदम रेडी हो गया। जितना आप इस सालन को देख रहे हो कलर प्यारा था, ये जायके में बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत मज़े का ये रेडी हुआ था। तो बस हमने फिर मेरे हस्बैंड आए थे तो मैंने रोटी बना दी थी, साथ में जो आलू पालक की भुजिया मैं बनाई थी वो भी रख दी थी मैंने, साथ में सालन हो गया था, तो उनका जो है ना मज़ेदार से लंच रेडी कर दिया था। उसके बाद ये जो है ना शाम का टाइम है, तो मैंने अपनी बेटी के लिए साबुदाना बनाया था, और कल उस दिन कल जो मैंने हस्बैंड के लिए बनाया था ना तो उसने बड़े शौक से खाया था, तो मैंने सोचा उसके लिए फिर बना दूँ, फिर साबुदाने की खीर जैसे बनती है बना दिया था मैंने, तो फिर ये मैंने उसको खिला दिया था, क्योंकि वो आजकल ना बड़े नखरे कर रही है, कभी सालन खाती है कभी नहीं खाती है, उससे शायद मिर्ची लग रही थी उसमें, हालांकि मैंने उसमें स्पाइसेस नहीं डाले थे, लेकिन फिर भी कभी कभी उन्हें बड़े नखरे करती है, तो फिर मैंने उसके लिए बना दिया था।
बस खाना वाना रात को खाने के बाद फिर मैं ड्रामा देख रही थी। ये मेरा फेवरेट ड्रामा है, ये मैं पहले भी देख चुकी हूँ, ये पहले भी आया था, ये बहुत पुराना ड्रामा है, लेकिन ये फिर दोबारा से हम टीवी पे आ रहा था तो मैंने इस दफ़ा ये पूरा देखा है। ऐसा ड्रामा है ना, मुझे फिल्म भी देखना तो फिर आप बोल रही हो, तो बस रात में ना मैं कुछ ना कुछ देख लेती हूँ और फिर बस अगले दिन का दोपहर का टाइम है तो ये मैं ये कुरकुरे लेके आ रही थी लेकिन मैंने खा ली, ये चीज दोस्त थे तो ये मैं ले आई थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा खाऊंगी, मुझे हल्की फुल्की भूख लग रही थी इस टाइम, तो मैं खाना भी बनाऊंगी शाम में, थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। और खाने में आज बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, दोपहर खाने में बनाई हूँ चिकन कढ़ाई, बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं आज, पूरा भी सिंपल तरीके से बना रही हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। जिसको ज़्यादा मसालों वाली कढ़ाई नहीं पसंद वो इस तरीके से बनाए और खाए तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़े की लगती है। मुझसे किसी चीज़ में थोड़ा सा बिखरा हुआ था खाने के टाइम पर, जब मैं खाना वाना बना देती हूँ ना तो फिर मैं सारा एकदम साफ़ कर लेती हूँ, अंदर मेरे चिप्स भी पड़े हुए थे और साथ में जो ये मटके में पानी उबला हुआ है ये इसे हम उबाल के ठंडा करके फिर जो है ना कूलर में डालते हैं, तो बस ये भी उबालने में रख दिया था तो ये ना साथ में ठंडा होगा। और बस मैं लंच की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी, तेल मैंने डाल दिया है, मैंने लहसुन को दिया है बस उसे ना एक चम्मच भर के या डेढ़ टेबल स्पून होगा, ये लहसुन डाल दिया था मैंने, अदरक लहसुन साथ में कूद दिया था मैंने, बस ये दोनों चीज़ें मैंने शामिल कर दी थी। गैस बहुत कम आ रही थी इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है ना अभी आराम आराम से पक रहा है, तो बस इसके बाद मैंने अच्छी खासी इसमें ना हरी मिर्चियाँ डाल दी हैं, अच्छी खासी मैंने डाल दी हैं, तकरीबन 4 से 5 अदर हरी मिर्चियाँ थी वो डाल दी हैं। साथ में बर्तन मैंने धोए हुए जो थे ये मैंने अभी तक रखे नहीं थे, चम्मच इसमें पड़ी हुई थी, मैंने सोचा इसे चम्मच निकाल दूँ, ये मुझे भी समेटने हैं, साथ साथ मैंने भी समेट लूँगी, साथ साथ मैं खाना भी बना रही हूँ। आटा गूंदा हुआ पड़ा था तो बस रोटियाँ हो जाएगी हमारी। और ये जो है ना इसमें मैंने देखी ये तीखी मिर्ची है, ये नहीं कि लग नहीं रही लगती है, बस इसमें हरी मिर्ची डलेगी, बाकी मैं इसमें कोई मसाले मसाले ना नहीं डालूँगी, बस इसे मैं इसके साथ जो है ना पका रही हूँ। जब लहसुन जो है ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है तो इसमें चिकन शामिल कर देना है, चिकन शामिल करने के बाद ही इसमें फौरन जो है ना टमाटर डाल देने, जब चिकन को ना थोड़ा सा इसमें मिक्स करना है फिर उसके बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे। पांच मैंने टमाटर लिए बड़े साइज के, ये बस मैं बीच में से कट करके मैंने ऐसे डल दिए हैं इसमें, और बस इसे मैंने ऊपर से ढक दूँगी ना तो ये जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो ये देखिए छिलके कितना आराम से निकल रहे हैं। इस टाइम मैं रोटी भी बना रही थी साथ में, साथ में मैं ये काम भी कर रही थी तो मुझे जो है ना मोबाइल पकड़ने में बहुत मसला हो रहा था, लेकिन फिर मैं आपके साथ शेयर करने के लिए मोबाइल पकड़ लेती हूँ, तो ये फिर ये देखिए कितना आराम से इसके छिलके उतर रहे हैं, बस इसको ना हम अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करेंगे, जब इसमें ना टमाटर जो है अच्छे खासे मिक्स हो जाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े का लगते हैं, इसमें छिलके भी नहीं नज़र आते। साथ में रोटी बना रही हूँ, मेरे जो है ना तवा गर्म हो चुका है और इसमें मसालों में मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, बस मैं इसमें जो है ना नमक डाल दूँगी और लास्ट में मैं इसमें ये देखिए अच्छी तरीके से भून गया ना, नमक मैंने शुरू में डाला था लेकिन कम था तो फिर मैंने बाद में और शामिल कर दिया था, और इस स्टेज पर ना मैंने इसमें जो काली मिर्ची होती है ना उसका पाउडर मिला के मैंने रखा था, मैंने एक चम्मच वो डाल दिया था, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस नहीं चाहिए तो आप ना डालें लेकिन काली मिर्च का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है, बस मैंने इसमें से वही शामिल किए और ये बहुत ही मज़े का जो है ना ये रेडी होता है। तो आपने कभी इस तरीके से कढ़ाई नहीं बनाई हो तो इस तरीके ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। बेटा मेरा स्कूल से आ गया तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाऊंगी, तो सबसे पहले मैंने उनको खाना खिलाया, कढ़ाई हो गई थी साथ में, थोड़ी सी सैलड में मैंने खीरा ले लिया था और ये दही मैं घर पर ही बनाती हूँ तो बस ये दही ले लिया था, तो ये मज़ेदार से हमारा लंच रेडी हो गया था और ये बहुत ही मज़े का जो है ना कढ़ाई तैयार होती है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत सिंपल तरीके से बनती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़े की कढ़ाई तैयार होती है।
तो इसी मजेदार सी कढ़ाई और लंच के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग के साथ हम बहुत जल्द फिर जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।